सीसीटीवी आजकल बड़े अच्छे आते हैं नाइट विजन वगैरह के साथ, वो लग जाएंगे तो उससे काफी सेफ्टी हो जाती है। इसी साहब इसके साथ टेकअप कर लो, ड्रग्स मुलव्वस है तो फिर मान के चल लो कि देर आर मोर देन 50% चांसेस कि आपका बच्चा भी मुलव्वस हो चुका है। तो इसलिए सिर्फ अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, पड़ोसी के बच्चे की भी लेनी है। आप लोग आपस में चार पड़ोसी मिलकर अपना डिसीजन लीजिए कि भाई अगर किसी का भी बच्चा गलती करता दिखा तो जिस तरीके से घर के चाचों का हक होता है, मामों का हक होता है अपने बच्चे को दुरुस्त करने के लिए, वही हक हम सबको रहेगा एक दूसरे को बच्चे को लेके। जब तक ये ज्वाइंट एफर्ट नहीं होगा ये नहीं रुकेगा, क्योंकि आपका बच्चा आपसे बच के ड्रग्स या सिगरेट कर सकता है पर वो कहां कहां तक छुपता रहेगा, कोई न कोई तो देखेगा ना गांव में उसे। अगर जब तक वो अपनापन नहीं आएगा सब में कि इस गांव का कोई भी बच्चा मेरा अपना बच्चा है, तब तक ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक बाप या एक मां ज्यादा दूर तक नहीं अपने बच्चे को फॉलो कर सकते हैं, उसको भी अपने चार पैसे कमाने हैं, रोजगार है, दुकान धंधा है। तो ड्रग्स को खत्म करने का मेरा सबसे जो मेरा सुझाव है वो ये है कि जब तक हम एक गांव वाले एक मोहल्ले वाले एकजुट होकर इसमें ये फैसला ना करें कि भाई कोई भी किसी का भी बच्चा ड्रग्स करेगा उसको सख्ती से डील करेंगे चाहे वो जिसका बच्चा हो, जब तक ये फैसला खुद हम नहीं मिलकर करेंगे तब तक हम इसे खाली बातों से नहीं खत्म कर सकते। खाली इसमें दो चार लोगों को पकड़ के हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक डिमांड है तब तक सप्लाई करने वाला दूसरा कोई न कोई आता रहेगा। और खाली इसको हम दवाइयों से खत्म नहीं कर सकते कि भाई इसको हॉस्पिटल भेज दिया रिहेबिलिटेशन के लिए तो ये होके बड़ा अच्छा होके कोई जादू करिश्मा हो जाएगा और वो वहां से अच्छा होके आ जाएगा, तब तक नहीं होगा। जब तक एक मोहल्ला एक गांव खुद फैसला नहीं करता कि हमें इसे खत्म करना है, और वो उस गांव का चाहे जो बच्चा हो, चाहे प्रधान का बच्चा हो, सरपंच का बच्चा हो, चाहे किसी गरीब का बच्चा हो, बच्चा किसी का भी हो, पर किसी ने भी गलती की है तो उसको सजा मिलनी ही मिलनी है। जब तक ये फैसला गांव वाले नहीं करेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा। उसके बाद एक मसला उठाया था आपने सीसीटीवी लगाने का। देखिए सीसीटीवी लगाने का कुछ प्रोग्राम हमारा भी चल रहा है जिसमें कई जगहों पे सीसीटीवी लग भी गए हैं, मेन मेन चौराहे पे, हर जगह कवर तो करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब उसका इलाज वही है कि दो चार दुकान मिलके अगर आपस में सीसीटीवी लगा लें तो कम से कम उनकी पूरी गली पे नजर रहेगी। हर दुकानदार की क्षमता नहीं है लगाने की, ना उस सब इतने बड़े दुकानदार है, अगर तीन चार दुकानदार मिलके भी एक दुकान पे लगा लें बाहर की तरफ जिससे रोड पे नजर रहे, तो पांच सात दुकानें एक साथ कवर हो जाएंगी कि उस दुकान में कौन आ रहा है जा रहा है, उससे हमारा ये कवर हो जाएगा। और जो आप ये सीसीटीवी लगाएंगे, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं कि कंगन के मार्केट में सीसीटीवी बड़ा बहुत सारा वहां की जो मैडम डीडीसी है उन्होंने लगवाया हुआ है, और उसका जो मॉनिटर वगैरह है सारा कुछ वो थाने में उन्होंने दिया है कि भाई आप इसको मॉनिटर करें। उस तरीके से जो यहां के भी डीडीसी पीडीसी सरपंच वगैरह है या मोहल्ले की जो कमेटी है या मार्केट की कमेटी, अगर आप सीसीटीवी लगा रहे हो तो सीसीटीवी लगाने के बाद उसको देखने वाला भी कोई चाहिए, तो उसकी वायर आप थाने में दे दें। थाने में हमारा एक लड़का जो बैठा रहता है सीसीटीवी पे मॉनिटर करने के लिए, वो पूरे मार्केट का सीसीटीवी देखता रहेगा, क्योंकि खाली सीसीटीवी लगाने से तो नहीं होता ना, उसको पता भी तो होना चाहिए कि कौन कहां जा रहा है, सो दैट वो अपनी पार्टी को भेज सके। मान लो किसी कोई दुकान का ताला तोड़ के घुसने की कोशिश कर रहा है, आपने सीसीटीवी लगा लिया, मैं मुंह मतलब कोई भी मुंह बांध के आ गया सीसीटीवी में, फिर तो चेहरा आएगा नहीं। तो जब तक उस सीसीटीवी को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है तो सीसीटीवी लगने के बावजूद भी चोरी होगी, वो तो आपको सुबह पता चलेगा कि ये देखो जी ये कोई आया मुंह बांध के चोरी करके चला गया। तो सीसीटीवी का सही यूटिलाइजेशन तब होगा जब उसका एक फीड आप थाने में दे दें। थाने में हमारे यहां मुंशियात में एक लड़का डिप्यूटेड रहेगा, 24 घंटे सीसीटीवी पे नजर रखेगा, जैसे ही किसी के दुकान का ताला अगर टूट रहा है तो तुरंत यहां से हमारी पार्टी निकलेगी, क्योंकि ताला तोड़ के चोरी करने में मिनिमम 10-15 मिनट तो चाहिए, हमारे लिए उतना टाइम काफी है यहां से निकल के पहुंचने में। तो आप लोग जो गांव वाले जो मतलब ये अपने मोहल्ले वाले या मार्केट वाले सीसीटीवी लगाए तो अपने टेक्नीशियन से बात कर लें कि उसकी फीड थाने में जाए ताकि कोई ना कोई उसको 24 घंटे देखते रहे, नहीं तो कोई भी मुंह बांध के आके चोरी करके चला जाएगा तो सीसीटीवी का कोई फायदा होगा नहीं। सीसीटीवी आजकल बड़े अच्छे आते हैं नाइट विजन वगैरह के साथ, वो लग जाएंगे तो उससे काफी सेफ्टी हो जाती है।
उसके बाद आपने कनाल का मसला उठाया था कि डिसिल्टेशन उसकी नहीं हो रही है, वो मसला मैं डीसी साहब इसके साथ टेकअप कर लूंगा कि ताकि अब ये अब खेती का सीजन आ गया है तो ये जितनी जल्दी हो जाए ताकि पानी मिलता रहे सबको।